हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गार्डन वाइज। आज हम बनाने जा रहे हैं एक सकलेंट पॉट, जिसके लिए हमें दो बॉक्स चाहिए। आप कोई भी बॉक्स अपने प्लांटर साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा प्लांटर बना रही हूँ जिसमें मैं सकलेंट लगाऊंगी, इसीलिए मैं एक छोटा बॉक्स ले रही हूँ। हमें दो बॉक्स इस तरीके से चूज़ करना है कि बड़े वाले बॉक्स के अंदर छोटा वाला बॉक्स आ जाए और साथ में साइड में थोड़ी जगह बचे। यहाँ पर जो दोनों बॉक्सेस के रिम डिफरेंस होगा वही हमारे प्लांटर की विड्थ होगी, और साथ ही साथ दोनों बॉक्स का जो हाइट डिफरेंस होगा वही हमारे पॉट का बेस होगा। चलिए हम अपने सिंपल से सकलेंट पॉट को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैं वाइट सीमेंट ले रही हूँ और साथ में कुछ कलर्स ले रही हूँ। कलर्स बिल्कुल ऑप्शनल हैं। सबसे पहले आप कोई ग्लास ले लीजिए या फिर कोई भी वेसल ले लीजिए जिसमें आप वाइट सीमेंट बनाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़े से वाइट सीमेंट को लेकर उसमें पानी मिलाकर उसे अच्छे से घोल रही हूँ। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके ही वाइट सीमेंट बनाएं, नहीं तो ये जल्दी सूख जाता है। एक बार में ही बहुत सारा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा कर कर घोलें। ध्यान रखें आपके मिक्सचर में कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और साथ में ही आप मेरे चैनल के और वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल के और वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग गार्डन वाइज। हमारे मिक्सचर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पर मैं छोटे छोटे दो कप्स ले रही हूँ और इसमें मैं कुछ वाइट सीमेंट डालकर और कलर को मिक्स करके कलरफुल मिक्सचर बनाऊंगी। रियल स्ट्रगल। अगेन आप इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लें, और साथ में ही ये ध्यान रखें कि आपको ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनाना है। Now, here comes one tip। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांटर सूखने के बाद बहुत ज़्यादा आसानी से बाहर आ जाए तो आप अपने बॉक्स के आउटर सरफेस को ग्रीस कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट सीमेंट बहुत ज़्यादा आसानी से बाहर आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर ग्रीसिंग नहीं कर रही हूँ। बट अगर आप ब्लैक सीमेंट या रेगुलर सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो ग्रीस ज़रूर कर लीजिए। बॉक्स के ऊपर जो भी लेबलिंग लगी हुई है उसे भी आप हटा सकते हैं। मैं यहाँ पे उसे हटाना भूल गई थी, पर वो बाद में बहुत ही आसानी से निकल आया था। और साथ में जो हमारा छोटा वाला बॉक्स होगा उसकी हाइट ही हमारे प्लांटर की हाइट होगी। यहाँ पर अपने प्लांटर में ड्रेनेज होल बनाने के लिए मैं लकड़ी के एक टुकड़े को बड़े वाले बॉक्स के बेस पर रख रही हूँ। सकलेंट्स को पानी ज़्यादा नहीं पसंद होता है, इसीलिए ड्रेनेज होल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में इस लकड़ी को हम निकाल देंगे। Now, here comes action time। अब हम अपने बॉक्स में लेयरिंग करेंगे। आप अपने प्लांटर की आउटर वॉल पे जो कलर चाहते हैं वो कलर हम सबसे पहले बॉक्स के बेस पर लगाएंगे। बेस पर हम जो भी सीमेंट रखेंगे वो थोड़ा ज़्यादा थिक होना चाहिए। यहाँ पर मैंने दो पिंक और पर्पल कलर बनाया हुआ है, उसे ही मैं बेस पर लगा रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी मैंने बहुत ज़्यादा थिक बनाई है। आप जिस पैटर्न को अपने पॉट पर चाहते हैं उसी की तरह से आप सीमेंट को यहाँ पर अच्छे से लगा दीजिए, और साथ में मैं यहाँ पर थोड़ी रनी कंसिस्टेंसी के वाइट सीमेंट के साथ इसे बेस दे रही हूँ।
अब बचे हुए सारे व्हाइट सीमेंट को आप थोड़ा रनी करके अच्छे से लेयरिंग कर दीजिए। अब सीमेंट को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैं यहाँ पर छोटे वाले बॉक्स को बड़े वाले बॉक्स के अंदर रख दे रही हूँ। थोड़े ज़्यादा पैटर्न के लिए आप छोटे वाले बॉक्स को ज़रा सा ट्विस्ट कर सकते हैं। थोड़ा प्रेशर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मैं कुछ पेबल्स का यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद हम इसे ओवरनाइट रख देंगे एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए। उसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। आप इसे शेड में कहीं पर भी रख दीजिए। अब 24 आवर्स के बाद मैं डीमोल्डिंग कर रही हूँ। बहुत आराम से ही आप पॉट के अंदर से इन बॉक्सेस को निकालिए, वरना आपका पॉट टूट सकता है। यहाँ पर मैं प्लांटर के सरफेस को थोड़ा इवन कर रही हूँ सैंड पेपर के साथ। बहुत ही अच्छे तरीके से ये पॉट बाहर आया है। अब हम इसमें प्लांटिंग करेंगे। चलिए देखते हैं कि हम कितने आसानी से ड्रेनेज होल बना सकते हैं। उसके लिए मैंने पॉट बनाते वक्त जो लकड़ी के टुकड़े को डाला था, मैं सिंपली उसे निकाल दूंगी और इसमें ड्रेनेज होल बन जाएगा। नाउ इट्स प्लांटिंग टाइम। ये हावर्थिया प्लांट है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।